The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Most common myths about breastfeeding. So bahut sare myths hain, bahut sare problems hain breastfeeding ko leke India mein, abroad, har jagah. And we are going to clear those myths today, alright? और छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कई confusions हैं जिसके बारे में आप कई बार आस पड़ोस से सुनते हैं, बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग रॉन्ग, राइट? बच्चों का सवाल है तो क्या सही है क्या गलत है. अगर मान लीजिए अगर आपने ब्रेस्ट सर्जरी करा ली, मान लीजिए ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कर ली, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट बढ़ा कर लिया, बड़ा सवाल है लोगों के मन में भाई वो कर लिया तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाओगे आगे ज़िंदगी में, क्या ये सच है? ऐसा नहीं है, राइट? नॉर्मली ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे होते हैं या चेस्ट मसल के नीचे होते हैं या फिर आर्मपिट के आसपास होते हैं ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए, और ये बिल्कुल भी आपके ब्रेस्ट फीडिंग फंक्शन में इंटरफियर नहीं करते जो इम्प्लांट होते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वाले, और इवन ब्रेस्ट रिडक्शन वाले में भी बिल्कुल भी ऐसा गड़बड़ी नहीं होती है. सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? और कई लोग कहते हैं कि भी क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल फीका खाना खाना चाहिए, क्योंकि आप जो खाओगे उसका वो तीखापन बच्चे के इसमें आ जाएगा. क्वाइट फ्रेंकली इतना नहीं है, बट हाँ उसका कुछ कंपोनेंट बोला जाता है, लेकिन बाय द टाइम योर फूड यू ईट द फूड वो डाइजेस्ट होगा, वो ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, राइट? द जो भी पोटेंशियली अपसेटिंग मटेरियल है वो इतना ब्रोकन डाउन हो चुका होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वो बच्चे को तंग नहीं करेगा. दैट मीन्स अगर आप मान लीजिए आप ब्रोकली खा लिया, आपने पत्ता गोभी खा ली जिससे आपको गैस बनती है, तो वो बच्चे को गैस करेगी ये अनलाइकली है, ये अनलाइकली है, राइट? ये बात आप याद रखिएगा. बाकी जो आप खाना खा सकते हैं, राइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और फिर कहते हैं जो मॉम्स एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं वो उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए. एक्चुअली क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की एक चीज़ होती है. प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कई माओं को कुछ दिन के लिए डिप्रेशन आ जाता है कि मेरी बॉडी ख़राब हो गई है, मेरा ये हो गया, मैं पतली कैसी होंगी, कई बार होता है. लेकिन उसका ट्रीटमेंट है, अनट्रीटेड रह जाए तो वो डिफिकल्ट है, स्ट्रेसफुल है. उसके बारे में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो हेल्प करेंगे, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको समझें कि वो फीलिंग ब्लू वो रहती है कुछ, कभी एक हफ्ते, कभी दो हफ्ते, कभी कभी ज़्यादा हफ्ते, लेकिन वो ठीक हो जाती है, बहुत इजीली ठीक हो जाती है. आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस करना है. वंस यू डिस्कस थिंग्स आर ओके, ये बात याद रखिए. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना है अगर आपको डिप्रेशन सा लग रहा है या जो भी लग रहा है, राइट? या ऐसा भी नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो आपका बच्चा क्लिंगी हो जाएगा या डिपेंडेंट हो जाएगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, ठीक है? स्टडीज़ बताते हैं, जो बच्चे अलग अलग के होते हैं, मेरा खुद का बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद माँ को छोड़ देता था, तो माँ के पास चिपकता भी नहीं था. तो हर एक के बच्चे हैं जो अलग रिस्पॉन्स करेंगे, बिल्कुल भी एक हिसाब किताब है, राइट? तो बाद में जब उन्होंने जफ्फी पाना शुरू किया, चलो जफ्फी पाता बता बच्चा भाई बच गए को समझ रहे हो बात को, तो ऐसा होता है, राइट? सो ये सारी जितने भी चीज़ें मैंने बताया था वो बता चुके हैं. फिर एक कहते हैं कि भाई अगर आप एक्सरसाइज करोगे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो आपका मिल्क जो है वो सोर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ऐसा क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है बॉडी में, मिल्क में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ऐसा बिल्कुल गलत हिसाब किताब है. ब्रेस्ट अलग जगह पे है, लैक्टिक एसिड मसल में बनता है, उसका कोई लेना देना नहीं, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट? डोंट वरी. और अल्कोहल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि अगर आप पंप एंड जिसको पंप एंड डंप कहते हैं आफ्टर यू ड्रिंक अल्कोहल, राइट? अगर आपने मतलब वो कहते हैं कि अगर आपने दारू पी ली है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ना करें, वो ठीक है. पर वो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे तो ब्रेस्ट एनगॉर्ज हो जाएगी, आप दूध निकाल लीजिए पंप करके और उसको फेंक दीजिए. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है. रादर देन थ्रोइंग अवे, प्रेशियस होता है दूध, राइट? आप अगर आपने वाइन विस्की ले ली, आपने कुछ खा लिया है, तो आप उसको अपने ब्लड स्ट्रीम में मतलब मिल्क क्या करना है आपको, अल्कोहल फ्री रहने के लिए आप वेट करिए एटलीस्ट 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स पीने के बाद. ख़त्म हो गया पीना, 2 से 3 घंटे यानी 2.5 घंटे के 3 घंटे के बाद आप ब्रेस्ट निकालिए या ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, देन यू कैन डू इट, राइट? यू कैन ऑल्सो इसमें डिप टेस्ट भी आते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो. लेकिन 3 घंटे, 2 से चलो 3 घंटे के बाद करा लो,
बेस्ट रहोगे, सेफ रहोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, और एक मिथ है कि यू कैनॉट गेट प्रेग्नेंट वाइल नर्सिंग. ऐसा भी बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे. गलत, ऐसा नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग से, लैक्टेशन से, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है जिसमें आपको महीने नहीं आते, लेकिन अगर आपको महीने आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. यस, यू कैन गेट, इफ यू हैव सेक्स बिटवीन दिस टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, यू कैन गेट प्रेग्नेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. हाउएवर, जैसा मैंने कहा, चांसेस थोड़े कम होते हैं पहले छः महीने के अंदर चांसेस थोड़े कम होते हैं. पहले कुछ महीने और कम होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं भैया, याद रखिए. चांसेस होते हैं पीरियड्स वापस आने पर. पीरियड्स वापस नहीं आ रहे हैं तो चांसेस कम है, राइट. फिर बोलते हैं, अगर आपको बीमारी है, आप सर्दी खांसी हो गई, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको सर्दी खांसी है, आपको कोल्ड है, फ्लू है, तो एक्चुअली आप ब्रेस्ट फीड करेंगे, आपके बच्चा प्रोटेक्टेड होगा उस सर्दी खांसी फ्लू से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो आपके शरीर में उस कीटाणुओं के, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, वो आपके बच्चे के अंदर जाएंगे, आपके मिल्क से एंटीबॉडीज़. वायरस नहीं जा रहा वहाँ से, वहाँ से वो नहीं जाएगा, एंटीबॉडीज़ जाएंगे. सो अगर आपको कोल्ड फ्लू या बीमारी है तो ब्रेस्ट फीडिंग आप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट. फिर कहते हैं कि अगर, चलो वो तो कोल्ड फ्लू हो गया, लेकिन अगर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, अगर ब्रेस्ट डक्ट में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, तो आपको बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए. एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट. अगर आपको ब्लॉक्ड डक्ट है, ब्लॉक्ड है, तो उसका उल्टा सच है कि आप जितना ज़्यादा पिलाओगे दूध, वो ब्लॉक्ड डक्ट खुल जाएगा, वो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट खुल जाएगा, ब्रेस्ट इन्फेक्शन खुल जाएगा. तो आपको लिटरली उसको निकालने के लिए बोला जाता है, निकालते रहो. वो इम्पॉर्टेंट, इट प्रिवेंट्स, जितना क्लियर होता जाएगा उतना वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, रिमेंबर. लेकिन ये डक्ट ब्लॉक होते हैं क्योंकि बच्चे का नर्सिंग पैटर्न चेंज होता है. बच्चे अगर नर्सिंग पैटर्न चेंज कर दिया आपने, जैसे हर कुछ घंटे में नहीं उसको दूध पिलाया और दूध पड़ा रह गया, तो फिर ज़रूर ब्लॉक, तो ब्लॉक होता है. अगर बच्चा सॉलिड फूड खाने लग गया और पूरी पूरी नाद सोने लग गया, तो आपका ब्लॉक होता है नर्गे. तो आपको वो पैटर्न, वो साइकिल मेंटेन करना है, ये बात याद रखिए, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. अगर वो भी कहते हैं कि अगर आप काम पे चले गए, मान लो यू गो बैक टू वर्क, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करनी पड़ेगी. ऐसा भी नहीं है, राइट. अगर आप पंपिंग कर सकते हो, यानी ब्रेस्ट पंप करके निकाल के रख सकते हो बच्चे को, तो वो बिल्कुल बच्चा पी सकता है, राइट. आप 3 times दिन में 3 पंप कर सकते हैं जब आप वर्क पे हैं, काम कर रहे हैं. प्रिफरेबली एट द सेम टाइम, आप जब नर्सिंग, जब आप दूध पिलाते थे उसी टाइम पे, और ये कर सकते हैं आप 6 months में. आफ्टर दैट बच्चा, 6 महीने के बाद तो वैसे ही बच्चा दूसरे खाना पीना खा सकता है. और आप क्या कर सकते हैं, या आप 3 नहीं तो 2 ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. पंपिंग, यानी ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के घर भेज दीजिए, घर पे वो अपना पिला दिया जाएगा. सिंपल है, राइट. क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट उसका न्यूट्रिएंट है जो बच्चे को मिलना चाहिए. ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है आजकल मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. और ऐसा भी बोला जाता है कई लोग कि भी आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते, आप गंदी माँ हो, यू आर अ बैड मॉम. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप चॉइस वैसी लेते हैं तो दैट्स अप टू यू, राइट. प्लस आप बस अपने डॉक्टर से डिस्कस करिएगा, बच्चे को उसके हिसाब से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. बाकी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बच्चों के डिस्कस कर लीजिएगा अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, पीडियाट्रिशियन से. और बच्चों को दूध पिलाते समय जैसे आयरन और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में याद रखिएगा. 4 महीने के बाद, पहले 4 महीने के बाद आयरन सप्लीमेंट शुरू होते हैं, विटामिन डी तो आप बच्चों के शुरू ही होंगे. पीडियाट्रिशियन से इन 2 सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूर बात करिएगा. ये हुई बात, कोई भी सवाल है ज़रूर लिखिए, विल बी आंसरिंग वेरी वेरी, हम कोशिश करेंगे पूरा आंसर करने की. थैंक यू सो मच.